हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ के बारे में। तो जैसा कि आपको पता लग ही गया होगा कि ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और अल्टीमेटली वी कैन राइट वी इक्वल टू आर आई और वी इक्वल टू आई आर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आर था वो मैंने आपको बताया था, आर जो आपका कंडक्टर है वो करंट को रोकने की कोशिश करता है, और उसी प्रॉपर्टी को हम उसका रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये देखते हैं ये रेजिस्टेंस होता क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस इज व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू इट। यानी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी, क्योंकि स्टूडेंट्स जैसे ही यहाँ पे ये वायर हम यानी कंडक्टर लेंगे और इसके ऊपर सेल या बैटरी अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो करने लगेगा। बट स्टूडेंट्स, ये नेचुरल एक प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो कोई भी मटेरियल है वो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने नहीं देता, यानी वो उसका अपोजिशन करता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं उसका रेजिस्टेंस। तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू इट। यानी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने अंदर फ्लो हो रहे करंट को अपोज करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, उसी प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई आर। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स, उसको हम आर से शो करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। एस एस आई यूनिट इज ओम, और इसकी जो एस आई यूनिट है यानी रेजिस्टेंस को हम ओम में मेज़र करते हैं, और ओम के लिए जो हमारा सिंबल है वो ये होगा इस तरह से। फॉर एग्जांपल, अगर रेजिस्टेंस आपके पास 5 ओम है तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ओम्स लॉ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, वापस से मैंने यहाँ पे फिर से इसको मेंशन कर रखा है कि ओम्स लॉ है क्या, वो सारा का सारा आप वापस से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें वापस से फिर 1 ओम को डिफाइन करना है कि 1 ओम कितना होगा। 1 ओम, तो 1 ओम डिफाइन करने के लिए विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हम इसको वापस से फिर से डिफाइन करेंगे एज वी इक्वल टू आई आर और आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो अगर हम पुट कर दें स्टूडेंट्स, व्हेन वी इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर देन आर इज इक्वल टू 1 ओम। तो आर जो है आपका वो 1 ओम हो जाएगा। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेट टू बी 1 ओम व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर आफ्टर अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी अगर आपके पास ये कंडक्टर है, ये वायर है, और विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर हमने इसको कनेक्ट किया है बैटरी के साथ, तो अगर बैटरी या सेल जो है आपका वो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है 1 वोल्ट, और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के बाद जो आपका करंट फ्लो करता है सर्किट में वो 1 एम्पियर है, तो यहाँ पे जो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। यानी जो कंडक्टर है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज भी कर सकता है, वो डिक्रीज भी कर सकता है। यानी कौन कौन से फैक्टर हैं स्टूडेंट्स जो उसको अफेक्ट करते हैं, तो आइए देखते हैं कि रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डाटा वी ऑब्जर्व दैट when we increase the length of wire, यहाँ पे when आएगा, when we increase the length of a wire its resistance increases, so we can write R is directly proportional to L। actually students, ohm ने जो last video में हमने ohm's law discuss किया था, तो ohm का जो law है वो एक experimental law है। तो यहाँ पे with the help of experiment ही हम ये check कर रहे हैं कि ये जो resistance है किसी भी wire का वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने ये ए बी वायर कंसीडर की है, ये ए बी हमारी वायर है जिसकी लेंथ एल है। यहाँ पे इसको बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया, ए यहाँ पे एमीटर है और वी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमने वोल्ट मीटर अप्लाई कर रखा है।
तो एक्सपेरिमेंट ये कहता है स्टूडेंट्स कि अगर हम इस वायर की लेंथ को अगर इंक्रीज़ करें, इस वायर की लेंथ को इंक्रीज़ करें और यहाँ से करंट की और वोल्टेज की वैल्यू निकाल लें और फिर विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर, आर इक्वल टू वी अपॉन आई से ये वैल्यू निकाल के देखें, तो यहाँ पे हमें मिलता है कि ये रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस आर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। यानी जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज करता चला जाएगा। तो सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लेंथ एल है, ये जो वायर होती है आपकी, ये इसकी लेंथ हम एल मान लेते हैं और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी एक सिलेंडर होता है, वायर सिलेंड्रिकल शेप की होती है, मैंने पहले भी ये बताया है आपको। तो यहाँ पे ये जो एरिया होगा ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। तो इफ़ एल इज़ द लेंथ ऑफ द वायर, ए इज इट्स एरिया, तो इनिशियली हम क्या करते हैं, इनिशियली हम यहाँ पे इसी लेंथ को और इसी एरिया को लेके इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें एमीटर से करंट की वैल्यू पता लग जाएगी और वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता लग जाएगी। तो ओम्स लॉ आपको अप्लाई करना है, V इक्वल टू आई आर और R इक्वल टू V अपॉन I। तो V और I की वैल्यू हमें मिल चुकी होंगी, यहाँ से डिवाइड करके हम इस वायर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट में हम यहाँ पे इस लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे और जैसे हम लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे उसके बाद हम ये वैल्यू फिर से कैलकुलेट करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हुआ मिलेगा और पहले से ज़्यादा होगा। तो और जिस तरह से जैसे जैसे हम लेंथ को इंक्रीज़ करते चले जाएंगे वैसे वैसे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगी, तो अल्टीमेटली वी कैन से कि जो रेजिस्टेंस होगा वायर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसकी लेंथ के, यानी जितनी ज़्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद अगर हम एरिया के वेरिएशन की बात करें, अब बात आती है स्टूडेंट्स एरिया की, यानी ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो वायर है अगर मैं इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करता हूँ तो साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे जो इसका एरिया है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि कोई भी वायर है अगर उसकी लेंथ को हम बढ़ाएंगे तो वो पतली होती चली जाएगी, यानी और जितनी ज़्यादा पतली होगी उसके बाद हम उसका एरिया चेक करेंगे तो वो एरिया डिक्रीज़ हुआ मिलेगा। इसी का उल्टा भी है, अगर वायर को आप छोटी करते हो, वायर को अगर हम छोटी करें तो इसका एरिया जो है वो बढ़ जाएगा, यानी ये हमारी ओरिजिनल वायर है, अगर हम इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं तो एरिया घट जाएगा, अगर हम लेंथ को डिक्रीज़ करते हैं तो एरिया बढ़ जाएगा, ये एरिया यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एरिया के वेरिएशन की बात करें, यानी इसका एरिया बढ़ाएं, वायर का अगर हम एरिया इंक्रीज़ करते हैं और उसके बाद रेजिस्टेंस को चेक करते हैं तो एक्सपेरिमेंट से हमें ये मिला कि ये जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, यानी जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या यू कैन से जो एरिया है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो दोनों इक्वेशंस से हम जब इनको कंबाइन करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, तो हमारे पास हो जाएगा ये R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, और जब हम प्रोपोर्शनली कांस्टेंट यहाँ पे हटाएंगे तो R होगा R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, रो यहाँ पे फिर से एक कांस्टेंट आएगा रो, ये जो सिंबल है स्टूडेंट्स ये सिंबल का नाम रो है, सिंबल रो है और ये कांस्टेंट है, बाद में जाके ये रेजिस्टिविटी को शो करता है, ये रेजिस्टिविटी जिस तरह से V इक्वल टू आई आर में जो R था आपके पास वो एक कांस्टेंट था बट उसको बाद में हमने बोला दिस इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, और इसी तरह से जो ये फॉर्मूला आया है आपका रेजिस्टेंस के लिए R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, इसमें स्टूडेंट्स जो रो है वो कांस्टेंट है बट दिस इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, तो ये एक नई क्वांटिटी यहाँ पे ऐड हो जाएगी जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट वी कैन से दैट रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, क्योंकि टॉपिक था हमारा कि रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो उसी के लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया था।
तो अल्टीमेटली हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज करेगी रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। दूसरा एरिया ऑफ द कंडक्टर, जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस डिक्रीज करता चला जाएगा। थर्ड वन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, यानी जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और फोर्थ है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यानी उस नेचर पे डिपेंड करता है, यानी जो कंडक्टर है उसका मटेरियल कौन सा है। मे बी वो सिल्वर हो सकता है, मे बी वो गोल्ड हो सकता है, वो आयरन हो सकता है, वो कॉपर हो सकता है, क्योंकि ये कंडक्टर है स्टूडेंट, सभी के अंदर करंट फ्लो करता है। तो ये सिल्वर गोल्ड से अलग है क्योंकि उसका नेचर अलग है, आयरन अलग है, डिफरेंट है क्योंकि उसका नेचर डिफरेंट है। तो इस तरह से जो भी कंडक्टर आपने लिया है उसके उसके मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा ये रेजिस्टेंस आपका। तो इस तरह से रेजिस्टेंस के बारे में हमने सीखा कि रेजिस्टेंस को चार फैक्टर अफेक्ट करते हैं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर और नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। इन केस ऑफ कंडक्टर यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार नहीं बताया जाता है। इन केस ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, मीन्स इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉइंट ये समझने का है कि आपके पास ये कंडक्टर है, ऑब्वियसली हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो इसके लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड करता है। बट साथ में क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर इस कंडक्टर का आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, अगर इसका आप ना तो इसकी लेंथ इंक्रीज करें ना ही इसका एरिया इंक्रीज करें, बट अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी वजह से हम लिख सकते हैं कि जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी के, यानी टेम्परेचर के। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स रेजिस्टिविटी, क्योंकि जैसे हमने रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला रेडी किया था आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो यहाँ पे जो ये रो है ये आपका कॉन्स्टेंट आया था जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो ये देखते हैं रेजिस्टिविटी को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। इट इज़ इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। तो फ्रेंड्स ये भी फॉर्मूले से ही निकल के आएगा, यानी रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस के ही इक्वल होती है। बट किस कंडक्टर की, जिसका जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वेयर हो। यानी आपके पास अगर ये कंडक्टर है इसकी लेंथ 1 मीटर है और इसका एरिया 1 मीटर स्क्वेयर है, तो ऐसे कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो उसकी रेजिस्टिविटी हो जाएगी। तो हमारे पास फॉर्मूला है जैसे R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यहाँ से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन L इज इक्वल टू 1 मीटर, एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वेयर, यानी इन दोनों को अगर हम 1 1 पुट कर देंगे तो यहाँ से जो रेजिस्टिविटी है स्टूडेंट्स वो रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो रेजिस्टेंस के ही इक्वल होती है। बट कब, जब लेंथ आपकी 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वेयर हो। स्टूडेंट्स यहाँ पे रेजिस्टिविटी का काफ़ी बड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस है। जो मटेरियल होते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम उनको क्लासिफाई करें तो ऐसा हम नहीं कर सकते, बट ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी हम बड़े आराम से उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। क्योंकि रेजिस्टेंस के बारे में क्या है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायमेंशन पे डिपेंड करता है, यानी लेंथ पे और एरिया पे, डायमेंशन पे डिपेंड करता है। आप किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग इट्स लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, बट किसी कंडक्टर की आप रेजिस्टिविटी चेंज नहीं कर सकते बाय चेंजिंग इट्स लेंथ एंड एरिया, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगी। क्योंकि रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए आपने लेंथ को भी 1 मीटर यानी फिक्स कर दिया है और एरिया को भी
1 मीटर स्क्वेयर यानी फिक्स कर दिया है। तो ये फिक्स होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि ये दोनों फिक्स हो जाएंगे। किसी भी कंडक्टर की अगर हमें रेजिस्टिविटी निकालनी पड़ेगी तो उसकी लेंथ हमें 1 मीटर रखनी पड़ेगी और एरिया भी 1 मीटर स्क्वेयर ही रखना पड़ेगा। तो इस तरह से 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर एरिया रखने के बाद जो रेजिस्टेंस हमारे पास निकल के आता है वही हमारी रेजिस्टिविटी होती है। इट इज़ डिनोटेड बाई ओ। रेजिस्टिविटी को स्टूडेंट्स हम रो से डिनोट करते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर, और रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होगी वो ओम मीटर होगी, क्योंकि यहाँ से आप इसको बड़े आराम से निकाल सकते हो। जैसे फॉर्मूला हमने बनाया था रेजिस्टेंस के लिए, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यहाँ से रो की वैल्यू निकालेंगे तो ए आर के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, लेंथ डिवाइड में चली जाएगी, तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल होगा। यहाँ से इनकी यूनिट रखेंगे तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की मीटर स्क्वेयर, नीचे लेंथ की मीटर आएगी, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ओम मीटर। तो इसी वजह से जो रेजिस्टिविटी है उसकी यूनिट ओम मीटर हो जाएगी। अब देख लेते हैं कि रेजिस्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। तो फ्रेंड्स, रेजिस्टिविटी को सिर्फ 2 ही फैक्टर अफेक्ट करते हैं, नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ कंडक्टर और दूसरा है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। यानी जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, यानी वो आपका कंडक्टर जो है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। अगर 2 कंडक्टर अलग अलग मटेरियल के हैं तो ऑब्वियसली उनकी रेजिस्टिविटी भी अलग अलग ही होगी और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी इन केस ऑफ कंडक्टर। यहाँ पे मैं इन केस ऑफ कंडक्टर आपको बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि रेजिस्टेंस जो था वो 4 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ कंडक्टर पे, बट हमने रेजिस्टिविटी के केस में लेंथ को भी कॉन्स्टेंट कर दिया था और एरिया को भी कॉन्स्टेंट कर दिया था, तो बचे 2 फैक्टर टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटीरियल। तो रेजिस्टिविटी इन्हीं दोनों पर डिपेंड करती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज हमें नहीं होना है, जो फॉर्मूला है उसके बिहाफ पे भी हम इसको देख सकते हैं कि जो आर है वो रो एल अपॉन ए अगर है तो यहाँ से जो रो है वो आर इंटू ए बाई एल हो जाएगा। और क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड करती ही नहीं है, तो इसी वजह से ये दोनों फैक्टर यहाँ से कट जाएंगे, क्योंकि एल को भी हमें 1 मीटर पुट करना है और एरिया को भी 1 मीटर स्क्वेयर, यानी दोनों को कांस्टेंट करना है। तो कांस्टेंट होने के बाद रेजिस्टिविटी इन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगी। तो एट लास्ट जो फैक्टर रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करेंगे वो है नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ कंडक्टर और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। थैंक यू।